तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक माँ और एक बेटी थी। दोनों बहुत गरीब थी। माँ गायें चरा के लाती थी जिससे कि उनका गुजारा चलता था। एक दिन सूरज लोटा का व्रत था तो माँ ने अपनी बेटी को कहा कि तुम दो रोट बनाना और किसी को भी वो रोट खाने मत देना, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए, और कोई भी अगर कुछ मांगने आए तो उसे आटा दे देना, गेहूं दे देना, लेकिन रोट मत देना। उसकी बेटी बोली ठीक है। सूरज भगवान माँ की बात सुन रहे थे। सूरज भगवान एक साधु का वेश लेकर आए और रोटी मांगने लगे। लड़की ने रोटी देने से मना कर दिया तो सूरज भगवान ने उसे कहा कि वह श्राप दे देंगे। बेटी ने डर के मारे एक रोटी से छोटा सा टुकड़ा बीच से तोड़ा और सूरज भगवान को भिक्षा में दे दिया। जब उसकी माँ आई उसने देखा कि रोटी खंडित है तो उसकी माँ पागल हो गई और पागल होकर अपनी बेटी को पीटने लगी कि रोटी का टुकड़ा लेके आओ, मेरी रोटी का टुकड़ा लेके आओ। लड़की माँ से बचने के लिए, माँ की मार से बचने के लिए जंगल में भाग गई और एक पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। उसे बैठे हुए 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो भूख प्यास से बेहाल हो गई। सूर्यदेव को उस पर दया आ गई और सूर्यदेव ने उसके लिए भोजन और पानी भेज दिया। लड़की जैसे ही भोजन करने लगी उसी समय उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक राजकुमार रास्ता भटकते हुए आ गया जो भूख प्यास से बेहाल था। राजकुमार कहने लगा, हे भगवान, अगर मुझे इस वन में खाने के लिए कुछ मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। लड़की ने सोचा कि यह बहुत ज्यादा भूखे हैं, तो लड़की चुपचाप से नीचे उतरती है और खाना और पानी वहां पर रख के आ जाती है। राजकुमार खाना खा लेते हैं और पानी पीते हैं। उसके बाद उन्हें ख्याल आता है कि इस जंगल में कोई तो है जो ये खाना और पानी मेरे लिए यहाँ पर रख कर गया है। राजकुमार चारों तरफ देखते हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। जब पेड़ के ऊपर देखते हैं तो पत्तों में छिपी हुई लड़की दिखाई देती है। राजकुमार उसे नीचे उतरने के लिए कहते हैं। लड़की नीचे आ जाती है। राजकुमार पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो लड़की अपने आप को अनाथ बताती है। राजकुमार लड़की की सुंदरता पर और उसके भोलेपन पर मोहित हो जाते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। शादी करके महल में आ जाती है और रानी बन जाती है। रानी बनने के बाद बहुत दिन ऐसे ही सुखपूर्वक बीतते हैं। एक दिन रानी देखती है कि महल के नीचे कोई बुढ़िया झाड़ू बेच रही है। जब रानी ऊपर से देखती है तो वह पहचान जाती है कि यह उसकी माँ है। रानी उसे ऊपर बुला लेती है। बुढ़िया अपनी बेटी को नहीं पहचान पाती है लेकिन भावुक होकर बेटी बता देती है अपनी माँ को कि मैं आपकी बेटी हूँ। जैसे ही बुढ़िया को पता चलता है कि यह मेरी बेटी है, वह दोबारा पागल हो जाती है और अपनी रोटी का टुकड़ा मांगने लग जाती है। रानी राजा के डर के मारे अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर देती है और डेली वहीं पर अपनी माँ के लिए खाना पहुंचा देती है और लॉक लगा देती है, ताला लगा देती है और ताले की चाबी किसी को नहीं देती है। एक दिन राजा देखते हैं कि ये कमरा कभी नहीं खुलता है। राजा रानी से उस कमरे की चाबी के लिए पूछते हैं लेकिन रानी बहाना बनाकर मना कर देती है। राजा को कुछ शक होता है तो राजा रोज रोज उस कमरे की चाबी के लिए पूछने लग जाते हैं और एक दिन हट कर लेते हैं कि ये कमरा खोल के दिखाओ। रानी कमरा खोलती है तो उसकी माँ एक सोने की शिला बन जाती है। राजा कहते हैं कि ये इतनी बड़ी शिला कहाँ से आई, तो रानी कहती है कि ये मेरे पीहर से आई। जब राजा कहते हैं कि तुम तो अनाथ थी, रानी बताती है कि नहीं, मैंने डर के मारे बता दिया था, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा पीहर है। राजा कहते हैं तुम्हारे पीहर चलेंगे। रानी पीहर जाने से मना करती है लेकिन राजा कहते हैं कि नहीं, मुझे अपने ससुराल जाना है। तब रानी सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे 3 दिन के लिए पीहरवासा दे दो। सूरज भगवान उसे 3 दिन के लिए पीहरवासा दे देते हैं। रानी राजा पीहर जाते हैं तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बड़ा सा महल बन जाता है। रानी का बहुत बड़ा परिवार होता है। सभी बहुत हंसी खुशी उनका स्वागत करते हैं, पकवान बनाए जाते हैं। बहुत अच्छी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। 3rd दिन रानी राजा को वहां से चलने के लिए कहती है लेकिन राजा का मन नहीं करता है चलने का, लेकिन रानी हाथ पकड़ लेती है कि उसे घर जाना है, तो राजा भी चल देते हैं। वो कुछ दूर चलने पर ही घोड़े का चालक बताता है कि मैं घोड़े की जीन वहीं पर छोड़ आया हूँ। तो राजा और रानी कहते हैं हम यहीं पर हैं, तुम जाकर जीन ले आओ। जैसे ही घोड़े का चालक वहां जाता है तो पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ जंगल ही जंगल है और पीपल के पेड़ के ऊपर जीन टंगी हुई मिलती है। घोड़े का चालक बहुत घबराया हुआ राजा रानी के पास आता है और सारी बात बताता है। तब राजा पूछते हैं रानी से कि यह क्या बात है। तब रानी राजा को सारी बात बताती है कि किस तरह एक साधु को उन्होंने रोट का टुकड़ा दे दिया था और किस तरह से वह पेड़ के ऊपर आकर बैठ गई थी। सारी बात जानने के बाद राजा अपने नगर में मुनियाद करा देते हैं कि सभी सूरज लोटा की कहानी सुने और सूरज लोटा का व्रत करें और उद्यापन जिस दिन करें उस दिन सूरज लोटा का रोट बनाए और वो व्रती ही खाए, किसी को भी वो रोटा ना दे, ताकि सभी औरतों को पीहर का सुख मिले और सूर्य भगवान सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।